किसान भाइयों, मैसी 245 DI का दम देखिए। कितना अच्छा रोटावेटर खींच रहा है भाइयों। ये 60 ब्लेड का रोटावेटर है और देखिए कितनी बारीक मिट्टी की जा रही है। भाइयों रोटावेटर में ये हेल्पर होते हैं साइड में, देखो ये मिट्टी पे रगड़ रहे हैं और ये ही ट्रैक्टर को लोड नहीं पड़ने देते। जैसे ही दूसरी बहा आएगी, अब दिखाता हूँ मैं, देखो ये बिल्कुल रपट के जा रहा है। अब इसके साइड में जो है ये इतना कटिंग कर रहा है, 3 अंगड़ कटिंग किया और 3 अंगड़ में पूरा वहाँ तक इसने एक साथ कटिंग किया। अब ये जो हेल्पर है, जब अगली बार ये यहाँ रखा जाएगा तो फिर 3 इंच और गहराई बढ़ जाएगी। उसके बाद जब हम तीसरी बार देंगे तो फिर ये गहराई पे जाएगा। मूल बात ये है कि ये जो हेल्पर है साइड में तो ये पट मट्टी पे जाकर रुकता है, क्योंकि ये इस तरह रगड़ता है। और कुछ मेरे भाई सोचते होंगे कि एक बार में ट्रैक्टर पूरी मतलब जुताई कर देता है, ऐसा नहीं है, या तो हेल्पर खोल दो। लेकिन ये एक ट्रैक्टर की जान बचाता है और ब्लेडों का, इसकी चैन वैन का गराई टूटने का नुकसान भी बचाता है। यह होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बार, तीसरी बार, जितनी बार आप बार बार जुताई करेंगे उतनी गहराई बढ़ेगी, ये कड़वा सच है। अब काम निमट गया भाइयों, खेत का कंप्यूटर का काम भी निमट गया और बबलू का भी। अब हम गन्नों की टोली लेके मिल पे जाएंगे। अब ट्रैक्टर चल दिए हैं यहाँ से, मैसी सदाबहार ट्रैक्टर। ये देखिए अर्जुन 555 भी आ रहा है मांझा लगा के। ये अरुण लेके जा रहा है 3630 न्यू हॉलैंड 12+3 UG सुपर प्लस। भाइयों हमारा खेत तैयार हो गया है। अब हम इसमें कल ट्रैक्टर ट्रॉली और मजदूर लेके कूड़ी का खाद डाल लेंगे, इसको भर देंगे। उसके बाद में फिर जुताई होगी रोटावेटर से 2 बार, फिर टीलर चलेगा, फिर हम इसमें गेहूँ बोएंगे। किसान भाइयों, हमारे यहाँ मिल में इस तरह की ट्रॉली भरी जाती हैं लंबी, कुछ क्षेत्र में साइड को भरते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह का रिवाज है। और आडल जो है साइड ऊंची रखते हैं, क्योंकि हमारी जो ट्रॉली है ये 3 फुट साइड है इसकी ऊंची और करीबन 42 क्विंटल करना होगा। इसमें बस जंजीर डाल देते हैं चैन, जिसको करेन उठा के महल में डाल देगी, किसान को हाथ नहीं लगाना पड़ता। कुछ भाइयों की वैसी होती हैं, उनको वो अगला पिन निकाल लो वो पीछे को झटका मारते हुए डल जाती है। तरीके दोनों ही बढ़िया हैं, लेकिन हमें तो यही पसंद है। और आज हमारे यहाँ 3 ट्रैक्टर खड़े हैं, ये 245 खड़ा हुआ है। और भाइयों दूसरा ये है DI 1035 93 मॉडल है, आज इसकी ड्यूटी लगा दी गई है फैक्ट्री जाने के लिए। इसका मुझे हिट सबसे बढ़िया लगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ट्रॉली कितनी पीछे है, कितनी जगह है, जबकि मैसी का ही चंदर को होता है। ये देखिए किसी किसान ने जिसके पास ये ट्रैक्टर था हिच खुला बनवाया है, पीछे को हटा के देखिए कितनी जगह चमक रही है इसमें, और बनाने का एक अलग ही तरीका है। इसको बबलू लेके जाएगा मिल पे।
भाइयों देखे आज DI मिल पे जाएगा फैक्ट्री में। इसके टायर गोल है, स्टार्ट हो गया। टायर गोल हैं इसके बिल्कुल। इंजन बिल्कुल भी धुआं नहीं दे रहा भाइयों। आज इसकी ताकत का पता लगेगा। ओहो हो, परले खेत में उतर गया भाई। ताकत बहुत लगाई ट्रैक्टर ने। एक काम करो, इसे जोड़ के पीछे खींच लो भाइयों। देखिए ना 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 भाई, गानी आगे कूद गया ट्रैक्टर ने। बहुत जोर लगाए, बाकी दम है इस DI में। नहीं नहीं, योल में नहीं, टू चैन कर लो उससे। हाँ बड़ी बढ़ेगू या नू बाढ़ के नू घुमा दो भाइयों। गड़बड़ हो गया मामला। चलिए 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 चलिए, चल गया चल गया चल गया, चल चल चल, बड़ा उतर जा नीचे, कोई बात नहीं। अरे नहीं चलने दे, चल हाँ चल, करिए करिए करिए, नहीं पल्ली तरह दबा लो ना, तू चला एकदम, चलिए पिछुक चल। ट्रैक्टर अगले खेत में उतर गया था, फिर हमें बैक करना पड़ा। अब टू चैन करना है इसमें, सादा मैसी 99 मॉडल आगे जोड़ेंगे। यूँ तो आज 45 भी ही खड़ा है पीछे, ट्रोली के ओल्ले में खड़ा हुआ है, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो छोटे बच्चे ही काफ़ी हैं। अगले पे पुनीत पूनिया, पिछले पे बबलू पूनिया बैठे हैं। तो पिछले ने चढ़ा दिया था, ये देखिए बबलू इसे लेके जा रहा है मील पास DI को। DI पास कर दिया, दम बहुत है इसमें। जो एस्कॉर्ट पुलिस से स्टार्ट किया गया और हमारा 45 भी खड़ा आज। तो ये शेर घर रहेगा राजियो, ये तो बुग्गी में आएगा। ट्रैक्टर बुग्गी खड़ी है वहाँ, बबलू मील पे ले गया ट्रॉली, और मैं अंश पूनिया इस नए वाले को लेकर घर जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नमस्कार भाइयों, हम कर चले हैं अंश पूनिया। कैसा लगा आज का? अच्छा लगा। ट्रैक्टर फंस गया था, क्या हुआ?